वेलकम टू एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। उसमें आमिर अंसारी आप सभी लोगों का कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया द्वितीय यानी कि भूल भुलैया 2 के डे 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी, शो काउंट एंड एडवांस बुकिंग रिपोर्ट नंबर 2 के एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? फ्रेंड्स, बस एक ही दिन बचा है, कल का थर्सडे का, एंड फ्राइडे अगेन बॉलीवुड विल फेस द लिटमस पेपर टेस्ट, यानी कि फिर से एक हिंदी फिल्म आफ्टर द डिजास्ट्रस एंड डिसमिल परफॉर्मेंसेस ऑफ द पास्ट फ्यू हिंदी फिल्म्स, वापस से एक नहीं बल्कि दो हमारी हिंदी फिल्में जो है वो रिलीज होने वाली है। लेट्स सी क्या इनका हाल उनकी तरह होता है जिस तरह से जर्सी, अटैक, हीरोपंती 2 का हुआ था, रनवे का हुआ था, या फिर ये वापस से बॉलीवुड में एक उम्मीद की किरण लेकर आते हैं। बस शुरू करेंगे भूल भुलैया 2 के एपिसोड नंबर 2 के साथ। धाकड़ की एडवांस बुकिंग जो है वो अभी अभी शुरू हुई है, तो शाम को मैं आपको जितने भी शोज है उसका डेटा कंपाइल करके आपको एपिसोड लाके दूंगा। बस सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग भूल भुलैया 2 की बीएमएस रेटिंग से, क्योंकि गाइस आज के जमाने में जहां पर बीएमएस रेटिंग फिल्मों की 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन जा रही है, भूल भुलैया की जो रेटिंग है यानी कि इंटरेस्ट है वो 94,400 है। ओके, एंड बात करूं धाकड़ की, तो धाकड़ की जो रेटिंग है इंटरेस्ट की वो है 15,000। चलेगा इसी नोट पे आज का एपिसोड जो है वो शुरू करते हैं। लेट्स सी दूसरे दिन कितना प्रोग्रेस आया है। बस बात करूं एडवांस बुकिंग की, तो डे 1 जो है भूल भुलैया का उसकी एडवांस बुकिंग 1.60 करोड़ की हुई है। यस फ्रेंड्स, 1.60 करोड़ जस्ट फॉर द फर्स्ट डे। नेट कलेक्शन 1.60 करोड़ का एडवांस बुकिंग हुआ है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कल पे निर्भर करता है कि भूल भुलैया कितने की ओपनिंग लेता है। फ्रेंड्स, बात करूं यहाँ पर मुंबई की, तो 296 शोज है फिलहाल मुंबई में, एंड यहाँ पर 20 शोज फास्ट फिलिंग है एंड 2 शोज हाउसफुल है। एंड गाइस बात करूं मुंबई की परसेंटेज की, तो केवल 8% की ओपनिंग है। बात करूं दिल्ली एनसीआर की, तो 313 शोज में यहाँ पर 3 शोज ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं एंड ऑलमोस्ट 50 शोज फास्ट फिलिंग है, 11% की ऑक्यूपेंसी है। बात करूं पुणे की, 91 शोज है, कुछ भी फुल नहीं है, कुछ भी फास्ट फिलिंग नहीं है, 7% की ऑक्यूपेंसी है। बैंगलोर की बात करूं 115 शोज है, 2 शोज यहां पर ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं एंड 11 फास्ट फिलिंग है, ऑक्यूपेंसी इज 8%। हैदराबाद यहां पर 97 शोज है एंड गाइस यहां पर हैदराबाद में सिर्फ और सिर्फ 8 शोज यहां पर फास्ट फिलिंग दिखा रहे हैं एंड ऑक्यूपेंसी इज 18%। जैसे जैसे शोज बढ़ते जाएंगे, ऑक्यूपेंसी अगर बड़ी नहीं तो ऑक्यूपेंसी जो टोटालिटी में है वो कम हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? यानी कि पहले दिन की रिपोर्ट में अगर समझो कोई शहर में ऑक्यूपेंसी 20% है एंड 70 शोज है एंड दूसरे दिन शोज बढ़ के 90 हो गए एंड ऑक्यूपेंसी नहीं बढ़ी, तो ऑक्यूपेंसी अपने आप जो है वो कम हो जाएगी। बात करूं कोलकाता की, 133 शोज है, यहां पर कुछ भी फुल नहीं है एंड 5 शो फास्ट फिलिंग है, 9% की ओपनिंग है यानी कि ऑक्यूपेंसी है। बात करूं अहमदाबाद की, 124 शोज में से वहां पर सिर्फ और सिर्फ 11 फास्ट फिलिंग है, 8% की ऑक्यूपेंसी है। चेन्नई में सिर्फ 50,000 रुपीज की एडवांस बुकिंग हुई है एंड चेन्नई में 10 शोज है जिसमें से 3 शो फास्ट फिलिंग है। बात करूं सूरत की, 80 शोज है, 6% की ऑक्यूपेंसी है। जयपुर में 80 शोज में 9% की ऑक्यूपेंसी है। जब मैं कुछ फास्ट फिलिंग नहीं बोलूं मतलब कुछ भी नहीं हुआ है। बात करूं यहाँ पे भोपाल की, 30 शोज में 53,000 रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है एंड ऑक्यूपेंसी 4%। लखनऊ में 80 शोज है, ऑक्यूपेंसी 3% की है। कानपुर की बात करो, 28 शोज में 16% है। नागपुर में 42 शोज में 2% है। बात करो वडोदरा की, 94 शोज में 2% की ऑक्यूपेंसी है। बात करो लुधियाना की, 90,000 की एडवांस बुकिंग हुई है, 20 शोज है, 8% ऑक्यूपेंसी है। यानी कि एडवांस बुकिंग ऑफ भूल भुलैया इज डिसअपॉइंटिंग। जिस तरह का हाइप, जिस तरह का बज, जिस तरह का सोशल मीडिया बज जो इस फिल्म के लिए क्रिएट किया गया है वो यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी को मैच नहीं कर रहा। ये मुझे हीरोपंती द्वितीय की याद दिला रहा है कि फिल्म को ऐसा गर्म कर दिया गया था मानो कि ये फिल्म आंकड़े ऐसे तोड़ेगी। एंड गाइस अब यहाँ पर भूल भुलैया 2 वो भी करते हुए नहीं दिखाई दे रहा। आई स्टिल रिमेम्बर हीरोपंती 2 रिलीज से पहले ऑलमोस्ट 2.5 या 3 करोड़ का एडवांस उसने मल्टीप्लेक्सेस में कर लिया था।
यस वो अलग बात है कि वॉक इन कोई गया नहीं एंड दूसरे दिन फिल्म देखने कोई नहीं गया, लेकिन भूल भुलैया इज नॉट डूइंग दैट ऑल्सो। राजकोट की बात करोगे 21 शोज है जहां पर केवल 8% की ऑक्यूपेंसी है। जबलपुर में सिर्फ 16,000 की एडवांस बुकिंग हुई है, 11 शोज है। जमशेदपुर में 5 शोज है, यहाँ पे कुछ भी ऑक्यूपेंसी नहीं है। प्रयागराज में 10 शोज में 11% ऑक्यूपेंसी। अमृतसर में 26 शोज में 90,000 की एडवांस बुकिंग हुई है। इंदौर की बात करूं 67 शोज है, 6 फास्ट फिलिंग है। रायपुर की बात करो 31 शोज है, 8% की ऑक्यूपेंसी है। भुवनेश्वर इज सैड, यूजुअली भुवनेश्वर में छोटी छोटी फिल्में भी फुल हो जाती है। यहाँ पे 24 शोज है, यहाँ पर भुवनेश्वर में एडवांस बुकिंग 1,00,000 की भी नहीं हुई है। बात करो रांची की, 16 शोज में 6% की ऑक्यूपेंसी है। मैं आपको हर सिटी का डेटा दूंगा, ठीक है। आई एम गोना टेक यू फ्रॉम द बीसी सेंटर्स टू द हाई एंड मल्टीप्लेक्सेस एवरीवेयर, एंड ये मैं सिर्फ सिंगल स्क्रीन का डेटा नहीं दे रहा, मैं आपको मल्टीप्लेक्सेस का भी डेटा दे रहा हूँ। बात करूँ देहरादून की तो 26 शोज में 5% की ऑक्यूपेंसी है। जलंधर में 23 शोज में 2% की ऑक्यूपेंसी है। कोटा में 10 शोज है, सिर्फ 40,000 की एडवांस बुकिंग हुई है। बात करो पटना की तो 5 शो में ऑलमोस्ट 1 शो फुल हो चुका है। गांधीनगर में 20 शोज है, 30,000 की एडवांस बुकिंग। एंड भावनगर में अभी भी 590 रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है एंड 10 शोज है। एंड जामनगर में 10 शोज है, 6% की एडवांस बुकिंग है। यानी कि इसको देखकर लगता है भूल भुलैया भी कहीं ना कहीं हीरोपंती द्वितीय के रास्ते पर जाते हुए दिखाई दे रही है एंड केवल अपने पहले दिन पर 6 से 6.5 करोड़ रुपए कमाएगी जस्ट बाय कीपिंग इन माइंड द सोशल मीडिया बज। समझ में आ रहा है, सोशल मीडिया परसेप्शन बनाया गया है, सोशल मीडिया बज बनाया गया है कि दिस विल बी द नेक्स्ट फिल्म विच विल टेक द बिगेस्ट ओपनिंग, दिस विल बी द नेक्स्ट फिल्म पोस्ट पैंडमिक विल टेक द बिगेस्ट एडवांस बुकिंग। इस परसेप्शन पर 6 करोड़ है, वरना ऐसी एडवांस बुकिंग के ऊपर 4 करोड़ भी मुश्किल हो जाएगा पहले दिन कमाने के लिए। तो वही परसेप्शन पर, ये उम्मीद पर कि ये फिल्म शायद 6 या 6.5 कमा ले, ये गाइस बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है भूल भुलैया। इसमें अक्षय कुमार, प्रिया दर्शन, वो जो नाम बनाया है इतने साल में जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रांड वैल्यू ऑफ भूल भुलैया, पीपल आर वेरी एक्साइटेड। एट द एंड ऑफ द डे पिक्चर का मेरिट बोलेगा, पिक्चर अच्छी होगी 6 साढ़े 6 कितना भी जा सकता है पहले दिन पर, फिल्म अच्छी नहीं होगी तो वही कहानी जो चल रही है एंड इसके सामने धाकड़ है जो भी एक अच्छी खासी फिल्म बनकर तैयार। लेट्स सी गाइस क्या होता है। फिलहाल ऐसा लग रहा है भूल भुलैया कहीं ना कहीं 6 से 7 करोड़ रुपए कमाते हुए दिखाई दे रही है पहले दिन जस्ट बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया बज क्रिएटेड। एज ऑलवेज से स्टे कूल मान।